तो आज जो है मिलवाता हूँ आपको अपने एक जवान से। हाय मनीष, क्या हाल है? फाइन बढ़िया। और बता चाहे ठीक है? राम राम। ओए गॉड ब्लेस यू। हाँ भाई हीरो, हेलो। ए रोनी इधर आ, इधर इधर। मनीष लेके जा रहा है इसको आज। बढ़िया है। अब आप देख पाएंगे कि ये काफी वीक है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बोन एक डॉग है लेकिन काफी वीक है। क्या रीजन है बताता हूँ। ये तो भाई साहब फुल तैयार है, तो एक थोड़ी सी हेल्थ वेल्थ बनाया, खाना वाना ढंग से खाएगा ना, यहाँ पे सुटेबल नहीं होंगे। हाँ तो इसलिए अब डाइट वगैरह। तो भाई ये जो है एक डॉग हमने आज अडॉप्ट कराया है अपने एक कैडेट को, अपने एक जवान को, ये अपने घर लेके जा रहे हैं इसको। आई होप के इसको बहुत ढंग से पालेंगे, तभी नहीं इसी शर्त पे इनको मैंने दिया है ये। आई रॉनी काफी घुल मिल गया है, हाँ है ना? हाँ, सुबह से इसके साथ हूँ ना। इसका पानी वानी रखा है ना गाड़ी में? सर पानी वानी है, इसका खाने का भी होता है। बहुत ही बढ़िया है, चलो गुड। ओके ओके नमस्कार। जय हिंद। आपको याद होगा बहुत पहले हमारे एक एनसीसी कैडेट जो कि अभी खुद सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में है, बहुत पहले जब भी ट्रेनिंग पे थे उन्होंने हाउ था जोश का एक वीडियो भेजा था। नहीं देखा तो इसको देख लो, याद आ जाएगा। जय हिंद, जय हिंद। हाउ था जोश, हाय सर। 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 जय हिंद, जय हिंद। तो आज जो है इनको हमने एक डॉग अडॉप्ट कराया है, एक फैमिली जो जिसने डॉग पाला था लेकिन वो केयर नहीं कर पा रहे थे। इसको हमने जो है अपने साथी को, अपने कैडेट को एक अपॉर्चुनिटी दी इसको पालने की, तो यकीनन इसको बहुत ढंग से पालेंगे, बहुत अच्छे से केयर करेंगे। तो मनीष कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं एक ये भी संदेश देना चाहूँगा कि ये भी हमारे ही प्राणी हैं, हमारे मतलब एक सामाजिक प्राणी है, इनसे हमें बहुत सारी उम्मीद होती है, तो हमें इनका अच्छी तरह से केयर करना चाहिए। और अगर आपको आसपास भी कोई और भी मतलब डॉग जो आप अपना सकते हो उनको अपनाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्राणी होता है बहुत वफादार होता है, तो ये इसकी खास बात। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रॉयल सोल्जर के ऑनर श्री संदीप सर सर को, और जो हमें बीच बीच में काफ़ी मोटिवेट करते हैं, और अपने यूट्यूब में मुझे ही नहीं लाखों युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं सर, और थैंक्स लॉट ऑफ सर। अरे वो हमारा कर्तव्य बनता है देश की वो पीढ़ी को मोटिवेट करना, उनको सही गलत में फ़र्क बताना जिम्मेदारी बन जाती है जिम्मेदार इंसान की और वो आप सबकी भी। तो सर बीच बीच हमें कैडेट के दौरान ही मतलब एक अलग ही पार्ट पढ़ाया, एक था यूनिटी एंड डिसिप्लिन का। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यूथ के लिए ये देना चाहूँगा कि भाई आप अच्छे बने, अच्छे सभ्य नागरिक बने, और हमारे यूट्यूब चैनल को रॉयल सोल्जर को आप अधिक से अधिक शेयर करें, उनको देखें, क्योंकि ये जो चैनल है ये खासतौर पर उन युवाओं के लिए है जो अपने किसी भी फील्ड में अपना करियर को बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हमेशा मोटिवेट मिलता है मुझे, और मुझे नहीं सब हर किसी को। तो थैंक यू संदीप सर। अरे ऑलवेज प्लेजर। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, और जरूरी नहीं कि कोई बीट का डॉग हो, कोई स्ट्रीट डॉग आपको याद होगा, कई बार इंडियन बीट के डॉग्स भी मैं अडॉप्ट कराता हूँ पर उनको लेने वाले बहुत कम आते हैं यार, बड़ा मुझे गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है। बीट का कोई मैं बोलूँ तो फटाक से 100 लोग आ जाते हैं, पर जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इंडियन डॉग है अडॉप्ट करना है कोई सामने नहीं आता, बड़ा दुख होता है इस बात का। तो अपनी जो देसी इंडियन बीट्स हैं उनको भी अडॉप्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पालें, उनकी केयर करें, घर के आसपास जितने भी एनिमल्स हैं उनको प्लीज़ फीड कराएं, केयर करें। गाय पालते हैं तो बुढ़ापे में ना छोड़ें, डॉग पालते हैं तो बुढ़ापे में ना छोड़ें, ऐसे अत्याचार ना करें, क्योंकि कोई और देखे ना देखे वो ऊपर वाला हमेशा देखता है, और कहते हैं कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, उसकी जब लाठी लगती है बहुत ज़बरदस्त लगती है, तो परमात्मा से डरें यार, केयर करें इनकी, ऐसे ना छोड़ें यार पाल के। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हाँ भाई शेरा सर ये रनिंग करता है तो मस्त लगता है। हाँ आ जाओ। रोनी
तो रोनी को मिल गया एक नया घर, नया परिवार, खुला खेत खलियान जहाँ पे लाइफ को एंजॉय कर रहा है। यदि आप भी एक ऐसा कोई डॉग अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हम निरंतर अपने चैनल पे रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हम पोस्ट करते रहते हैं। जैसा कि इस डॉग के बारे में हमने पोस्ट किया था तो इन्होंने हमें संपर्क किया, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भविष्य में यदि आपको भी ऐसा कोई घर के लिए एक पालतू अपना एक फैमिली मेंबर ऐसा चाहिए तो हमें बताइएगा कमेंट करके, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा डॉग के साथ वो भी बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस।